सीट जीत ली है। कांग्रेस के जो विनिंग कैंडिडेट हैं धीरज प्रताप साहू वो हमारे साथ हैं। धीरज बाबू से बात करेंगे। धीरज जी, ये जो उम्मीद थी काफी कम मतों के अंतर से आप जीते हैं, ये हमारा मत और बढ़ता, हमको लगभग 29 वोट आना चाहिए था हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, और मैं तो समझ गया कि मैं मेरे को जब 26 वोट आया हम बगल वाले को जो हमारे बगलगीर है, मैंने क्या बोलते हैं उनका नाम संथालिया जी का जो वोट देखा 25 वोट था उनका, और उनके साथ में सेकंड प्रेफरेंस का भी वोट था। जब सेकंड प्रेफरेंस मेरे पास एक भी नहीं था, लेकिन जब उनका सेकंड प्रेफरेंस का वोट खुला तो मैं 0.1% जीत चुका था। ये कौन लोगों ने आपको इतना धोखा दे दिया और इतना पीछे रह गया? ये देखिए, ये सुनिए, ये मुझे लगता है ये कुछ प्री प्लानिंग किया गया था कि मुझे हरा किसी तरह से भी हराने का काम करो जाके, लेकिन भगवान ने बचा लिया मुझे को। और मैं खास करके मैं वैसे लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए दिन रात प्रार्थना किया, भगवान से इस वर्ष प्रार्थना किया, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। लगातार हो रही थी विधायकों की खरीद हो रही थी, कैसे संभाल पाया इसे अगर नहीं समाप्त किया गया तो आने वाला समय जो है ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी। जाके ये थे धीरज प्रसाद साहू जो बता रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि विधायकों की खरीद फरीद हो, लेकिन ऐसे में कांग्रेस का एक प्रत्याशी बेहद ही कम मतों के अंतर से जीता है, जो निश्चित झारखंड को कहीं ना कहीं एक बार हॉर्स ट्रेडिंग के रूप में कहीं ना कहीं बदनाम करती हुई दिखाई दे रही है। विजय कांग्रेस की प्रत्याशी की तो हो गई, लेकिन जो मतों का अंतर था और क्रॉस वोटिंग का जो अंदाज था उससे निश्चित ही झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लेकर जो शंकाएं जाहिर की जा रही थी वो सही साबित हुई। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अशोक कुमार, APN रांची।